Good morning to all of you. Today I'm going to discuss the follow-up questions of describe a person who solved the problem in a smart way. यहाँ पे चार क्वेश्चन है इसके फॉलोअप के. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक चिल्ड्रन आर बॉर्न स्मार्ट और डू दे लर्न टू बिकम स्मार्ट. दोनों तरीके हो सकते हैं. कुछ बच्चे होते हैं बाय बर्थ वो स्मार्ट होते हैं, उनको कुछ नया चीज सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. दूसरी तरफ और दूसरे जो बच्चे होते हैं कुछ जो स्मार्ट नहीं होते, पर उनको अगर प्रॉपर टाइम पे नॉलेज ट्रेनिंग और प्रॉपर डिसिप्लिन सिखाया जाए तो वो भी स्मार्ट बन सकते हैं. इंटेलिजेंस इज अ गिफ्ट, वो एक गिफ्ट है, बट स्टडिंग एंड एजुकेशन प्रोसीजर वेल ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अ गुड डिसिप्लिन मेक पर्सन स्मार्ट ऑल्सो. एक तो बाय इंटेलिजेंस एक गिफ्ट में भी आती है, बट अगर ये सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज हो, डिसिप्लिन अच्छा हो और एजुकेशन जो प्रोसीजर वो भी अच्छा हो तो वो भी एक पर्सन को स्मार्ट बना सकते हैं. सेकेंड आंसर हो सकता है यहाँ पे, आई थिंक दिस इज अ केस ऑफ नेचर एंड नेचर, मीन्स परवरिश जो होती है पालन पोषण होता है और नेचर दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों का एक केस है. सम पीपल आर इंटेलिजेंस बाय बर्थ, नेचुरल वो बर्थ होता है उनमें, जैसे वो बाय बर्थ वो इंटेलिजेंट होता है. हाउ एवर द एनवायरमेंट हैज प्लेड अ ग्रेट रोल इन बूस्टिंग द इंटेलिजेंस, जो एनवायरमेंट है वो भी अच्छा एक रोल प्ले करता है इंटेलिजेंस को बढ़ाने में, स्मार्टनेस को बढ़ाने में. सो द नेचर एंड नेचर बोथ कॉन्ट्रीब्यूट द पीपल्स लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. कि अगर पालन पोषण, अगर बाय बर्थ वो इंटेलिजेंट नहीं है पर उसका पालन पोषण अच्छा हुआ, उसको एनवायरमेंट स्टडी के रिलेटेड अच्छा मिल रहा हो, अच्छी अच्छी खेलने को चीजें कुछ सीखने को नया नया मिलता जाए टाइम टू टाइम, तो वो भी बच्चा इंटेलिजेंट बन सकता है. तो दोनों आंसर्स में कोई एक आप दे सकते हो. हाउ डू चिल्ड्रन बिकम स्मार्ट एट स्कूल, पहले एक स्कूल होते थे कि सिंपल स्टडी पे फोकस करते, पर आजकल होता है कि कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करवाई जाती हैं. तो वो एक जो बच्चे का ब्रेन होता है वो स्पंक की तरह होता है कि जिसमें जो जो उनको मिलता है वो अपने अंदर डालते जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो भी इंक्रीज होता है. चिल्ड्रन ब्रेन इज लाइक अ स्पंक दैट इज रेडी टू स्पंक अप एवरीथिंग इट कम अक्रॉस, जो भी उसके पास आता है. द गेम्स दैट एप्रोप्रिएट टू देयर एज हेल्प टू सिमुलेट देयर हिज माइंड एंड डिवेल्प स्किल्स, जो उसकी एज के एप्रोप्रिएट उनको गेम दी जाए तो वो उनके माइंड को डिवेल्प करती हैं, अलग अलग स्किल को डिवेल्प करती हैं. बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हो जाते हैं पजल्स गेम, चेस गेम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अगर लेवल वाइज गेम के एज के अकॉर्डिंग उनको ये दी जाए चीजें तो ये ब्रेन पे अच्छा इफेक्ट डालती हैं. स्कूल्स में जैसे एक्सरसाइज दैट ब्रेन की एक्सरसाइज कुछ करवाई जा सकती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं, म्यूजिक रियल लाइफ एक्सपीरियंस के गो थ्रू उनको करवाया जा सकता है, और ओल्ड फैशन वर्क एथिक, मींस कि आज का स्मार्टनेस का जमाना है तो कुछ नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें बच्चे सीख रहे हैं, बट उनको पुराने जो ओल्ड फैशन जो वर्क मेथड्स है वो भी उनको सिखाना चाहिए. कई बार होता है कि टेक्नोलॉजी वहां पे काम नहीं करती बट ओल्ड मेथड वहां किसी जगह पे काम कर जाते, तो दोनों तरीके की जो इन्फॉर्मेशन उनको पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे उनको काम करना है. तो ये सारी चीजें स्कूल में करवाई जा सकती हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर सम पीपल वेल राउंड एंड अदर ओनली गुड एट वन थिंग, कुछ सभी तरीके की नॉलेज होती कुछ लोगों को कुछ एक में ही महारत होती है कुछ लोगों को. यस सम पीपल आर स्किल्ड एट अ वराइटी ऑफ थिंग्स बट पीपल आर स्पेशलाइज्ड बट सम पीपल आर स्पेशलाइज्ड इन वन ऑफ दीज थिंग्स. आई थिंक ऑल राउंड पीपल नो ऑल काइंड्स ऑफ वर्क बट दे डू नॉट हैव डीप नॉलेज अबाउट देम, क्योंकि कैपेसिटी होती है ब्रेन की कि वो किस हद तक चीजों को सेव कर सकता है. तो अगर हमें सारे तरीके के काम आते हैं तो हमें ये नहीं कि उनके बारे में सारी डीप नॉलेज होगी, हमको मेन बेसिक नॉलेज होगी ये काम कैसे करना है, इसको कैसे हैंडल करना है. बट ऑन द अदर हैंड पीपल हु हैव गुड एट वन थिंग हैव एक्सीलेंट नॉलेज अबाउट देयर वर्क, अगर कोई एक चीज में महारत है तो वो उसी के बारे में उसको बहुत डीप नॉलेज होगी कि उसी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाती तो वो अच्छे तरीके से वो सॉल्व कर सकता है. तो ये दोनों तरीके की होती है कि दोनों अच्छी चीजें हैं, और कई बार होता है कि किसी पर्सन को एक से ज्यादा चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है पर्सन की मेंटल एबिलिटी पे भी. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मॉडर्न सोसाइटी नीड टैलेंट ऑफ ऑल काइंड्स, आजकल की जो सोसाइटी है वो हर एक तरह का टैलेंट क्यों चाहती है. टैलेंट इज अ स्किल दैट समवन हैज टू डू समथिंग वेरी वेल दैट
पीपल यूजली लाइक, जो दूसरे लोग अक्सर पसंद करें उनको वो सारी चीजें चाहिए। सम पीपल मे हैव मोर देन वन टैलेंट, टैलेंट इज समथिंग लर्न, बट इन द केस ऑफ द नेचर, जो नेचुरल बॉर्न होते हैं उनके पास होता है, पर कुछ सीखते भी हैं। नाउअडेज द मॉडर्न सोसाइटी नीड टैलेंट बिकॉज द कंपटीशन लेवल हैज इंक्रीज ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, जैसे ग्लोबलाइजेशन आ गई है तो उसकी वजह से जो कंपटीशन है वो भी इंक्रीज हो गया, लेवल इंक्रीज हो गया। तो हरेक चीज की नॉलेज बच्चों को या इंसान को होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो आने वाले कंपटीशन में का हिस्सा बन सके और उसको हैंडल कर सके अगर कोई प्रॉब्लम आती है। पीपल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम गेटिंग अ जॉब, कि जैसे कंपटीशन बढ़ गया, टैलेंट भी उसी तरीके का चाहिए, तो लोगों को जॉब ढूंढने में बहुत सारी मुश्किल आ रही है। सो पीपल आर वेल टैलेंटेड, दे कैन रन देयर ओन बिजनेस ऑन स्मॉल लेवल विच जनरेट्स अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे टोटल ये कंक्लूजन है कि हर एक तरीके की नॉलेज चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि हर एक तरीके की नॉलेज चाहिए, तो उनके पास डीप नॉलेज नहीं होगी। तो कई बार होता है कि अगर किसी पर्सन को पास एक नॉलेज है तो उसी तरीके का वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, अगर उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है तो जिसकी वजह से अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगी। दूसरी तरफ की अलग अलग अगर टैलेंट है लोगों के पास, उनको जॉब ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाती है। अगर एक टाइप की जॉब नहीं मिल रही तो दूसरे टाइप की वो जॉब सर्च कर सकते हैं। तो हरेक तरीके का नॉलेज, हरेक तरीके का टैलेंट एक सोसाइटी में होना चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। इफ यू लाइक द क्वेश्चन एंड आंसर, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।